दिनांक 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की मंडलीय समीक्षा बैठक का आयोजन मानसरोवर कॉलोनी दिल्ली रोड स्थित जिला कार्यालय मुरादाबाद पर हुआ, जिसके मुख्य अतिथि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय दयाराम भार्गव जी रहे एवं मंडल के 5 जिलों के जिला अध्यक्ष, जिसमें बिजनौर जिला अध्यक्ष राजेंद्र कश्यप, रामपुर जिला अध्यक्ष सतपाल तोमर, संबल जिला अध्यक्ष अपर्णा सक्सेना, अमरोहा जिला अध्यक्ष सत्यपाल तोमर रहे, जिसमें मुख्य रूप से मुरादाबाद जिला अध्यक्ष ने संचालन किया। संचालन करते हुए रवि चौधरी ने पार्टी की गतिविधियों को और सदस्यता अभियान में तेजी लाने के लिए पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिए और सरकार की योजनाओं के बारे में बताया, जिसमें संचालन करते हुए रवि चौधरी ने बताया कि आने वाले पुनर्की उपचुनाव में एनडीए का प्रत्याशी को जिताने में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की पूरी भूमिका रहेगी और यहां से प्रत्याशी को जिताकर लखनऊ भेजने का कार्य करेंगे। मंडलीय समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे, जैसे जिला उपाध्यक्ष अमित चौधरी, आशु चौधरी, आकाश शर्मा, मोहन, गोविंद, बोबी, हर्ष गौतम, उमा आर्य, अक्षत गोयल, मनोज जैन, मनीष जैन, सूरज सैनी, विनीत शंकर, सतीश ढल, राहुल ठाकुर, प्रशांत सिंह, सत्यम गुप्ता, सनी कश्यप, रोहित सैनी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं दयाराम भार्गव, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सह संगठन प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सदस्यता प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आप लोगों के बीच में जनपद मुरादाबाद के मंडल की समीक्षा बैठक, और समीक्षा बैठक में 5 जिलों के लोगों को बुलाया गया था जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है सदस्यता अभियान, उन जिलों में कितने सक्रिय सदस्य बने हैं, किस जिले में कितनी सदस्यता जो है जोरों पर है या जोरों पे नहीं है, तो कोई कमियां या खामियां तो नहीं है, उसी को लेकर के और संगठन को दुरुस्त करने के लिए मुरादाबाद मंडल के, चाहे वो रामपुर जिला हो, चाहे बिजनौर हो, अमरोहा हो, संभल हो, मुरादाबाद हो, 5 जिलों के जिलाध्यक्षों के माध्यम से जो फीडबैक आया है, सभी जिलों में सक्रिय सदस्यता बहुतायत लोगों का हो चुका है और बहुत लोगों को जो है पद भी बार मिल गया है। आगामी पार्टी के द्वारा जो भी निर्देश आएगा उसी का पालन किया जाएगा। पार्टी के कारमा को कैसे बढ़ाएं, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा क्या है, आदरणीय नेता चाहते क्या है, पार्टी का संविधान क्या चाहता है, पार्टी बोलती क्या है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 15 विजन हैं। आप लोगों के माध्यम से ये 15 विजन मैं बताना चाहूँगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में राजभर और भर एक ही जाति है, ये भी बात करती है, ये केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से चाहती है भर राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। दूसरी मांग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की है गरीबों का फ्री इलाज। आपने देखा होगा कि हमारे देश में गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन 2014 से पहले लोग करते थे, जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हुए तब से हमारे देश की गरीबी रेखा भी कुछ कम हुई है। आपने देखा होगा विगत में बहुत सारी विसंगतियाँ थी, उसको दुरुस्त करने का काम देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसी को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि पूरे देश में गरीबों का इलाज फ्री हो, क्योंकि ये कहा गया है कि जिस देश में शिक्षा और इलाज फ्री होता है उस देश की तरक्की बहुत जल्दी होती है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ये मांग है, आप लोगों के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हम जो है गरीबों का इलाज फ्री हो। तीसरी मांग है तकनीक और रोजगार परक शिक्षा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि जैसे हमारे देश में 1 से लेकर BA तक पढ़ाई होती है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि 1 से लेकर BA तक, MA तक की पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट हो, चाहे वो सरकारी स्कूलों में चाहे प्राइवेट स्कूलों में, इसका खर्चा स्वयं सरकार वहन करे। और रोजगार परक शिक्षा, कक्षा 4 से लेकर 12वीं तक एक कोई सब्जेक्ट हो, एक बच्चे को दिया जाए, चाहे वो कलम बनाना हो, चाहे घड़ी बनाना हो, ट्रांजिस्टर बनाना हो, मोबाइल बनाना हो, कूलर बनाना हो, पंखा बनाना हो, साइकिल मोटरसाइकिल बनाना हो, तमाम ऐसे 100 विषय सरकारें चुने। और वो सरकारों से हम लोग यही मांग है कि कक्षा 4 से लेकर 12वीं तक एक अनिवार्य फ्री शिक्षा रोजगार का होना चाहिए।
मान लेते हैं किसी कारणवश किसी जिले में जहाँ पे वो व्यक्ति व्यास करता है उसकी पढ़ाई आर्थिक स्थिति की वजह से या माँ बाप की दैनिक स्थिति की वजह से अगर वो नहीं पढ़ पाता है तो अगर कक्षा 4 से लेके 12वीं तक मान लीजिए वो घड़ी बनाना सीख लेता है तो वो बेरोजगार नहीं होगा, वो रोजगार होगा किसी हाट या बाजार में, घड़ी जो बनाने का अगर सीख पारंगत होगा वो बैठ करके अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का भरण पोषण का काम कर सकता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इसीलिए कहती है तकनीकी एवं रोजगार परक शिक्षा। चौथा है जातिवार जनगणना। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी विगत 21 साल से जातिवार जनगणना की बात कर रही है। हम 27 अक्टूबर 2002 को जब पूर्वांचल के जनपद वाराणसी में सारनाथ के नीचे बैठ करके हम लोग पार्टी के मुखिया ने निर्णय लिया और पार्टी बनाई तो जातिवार जनगणना हमने तभी से इसको शामिल किया कि हमारे देश में जातिवार जनगणना, जब देश हमारा गुलाम था 1931 में जातिवार जनगणना हुआ था, लेकिन देश आज़ादी के बाद 1947 के बाद आज हम 75-76 साल हो गए लेकिन जातिवार जनगणना नहीं हुआ। इसलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मुखर होकर के देश की सरकार और प्रदेश सरकार से ये मांग करती है कि हमारे देश में जातिवार जनगणना हो, जातियों की गणना होने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक, राजनैतिक भागीदारी का पता लगे, जो लोग सभी जातियों में गरीब हैं सबको उसको आयस्त देने का काम करें। सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू हो। आपने देखा होगा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो 27% आरक्षण है उसमें उत्तर प्रदेश में 79 जातियां बास करती हैं, पूरे देश में 6,743 जातियां हैं ओबीसी की, लेकिन जो 1990 में मंडल कमीशन आयोग लागू हुआ उसमें पूरे देश में जो 6,743 जातियां हैं उसमें 14-15 जातियों ने लाभ लिया, बाकी शेष जातियों का देश में और प्रदेश में पता नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहती है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो। आज मुरादाबाद की मंडल की बैठक थी जिसमें 5 जिले के जिलाध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता दयाराम भार्गव, दीपक चौहान जी, हमारे मेरठ से कुद्दूस भाई, फौजी भाई और सीपी लक्का, संभल से हमारी अर्पणा सक्सेना जी, हमारे मंडल अध्यक्ष राजपाल चौहान जी और रामपुर से हमारे रामवता शर्मा जी, आदेश जी, सब लोग आए और उन्हें एक दिशा निर्देश दिया गया कि सदस्यता अभियान के बारे में, पार्टी की क्या रूपरेखा आगे रहेगी उसके बारे में। इसी के साथ जितने जिलों से हमारे जिलाध्यक्ष पदाधिकारीगण आए हैं उनका मैं मुरादाबाद में हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं जो उन्होंने इस मीटिंग में आकर इस मीटिंग को सफल बनाया। आगामी चुनाव को लेकर क्या तैयारियाँ? आगामी चुनाव को लेकर जो पार्टी का निर्देश होगा, हम NDA गठबंधन में हैं, हमारे यहाँ पुनरिकी का चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव में जो भी कैंडिडेट होगा उसे हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ओर से जो भी सहायता हम कर सकते हैं या जो भी हम सहयोग कर सकते हैं वो पूरा करेंगे।